बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये साथ हमने ना चिकन बाइट्स रखी हुई हैं फ्राई होने। ये पकोड़ों के लिए बेजा तैयार किया हुआ है, ठीक है? और इसमें पानी डाल के तो थोड़ा सा इसको पतला कर लेंगे, उसके बाद हम इसको छोड़ देना। आज धूप निकल आई है, कमाल के बीच निकले। ये बाल्टियाँ धोने वाली पड़ रही हैं, ठीक है? बाल्टियाँ धोने वाली पड़ रही हैं। माइमा के पापा जो हैं वो शॉप पे चले गए हुए हैं और उनका चाचू माइमा को लेने गए हैं, ठीक है? और दोनों बच्चियां सो रही हैं। इन्होंने सहरी के बाद बहुत तंग किया, बहुत तंग किया है। कभी वो रो रही थी, कभी वो रो रही थी। मरीम की तो तबीयत ख़राब हो गई थी, मरीम को उल्टियाँ शुरू हो गई थी। तो बड़ी मुश्किल से उसकी खांसी और उल्टियाँ कंट्रोल हुई, उसको मेडिसिन वगैरह दी थी। तो उसके बाद भी एक जाकर सोई है और अब उसका बुखार नहीं है, उसको अल्लाह का शुक्र है। और फातिमा ने ऐसे तंग किया था। और ये गई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? कमरा समेटने लगा, मैं वो समेटने लगी हूँ। मेरे बच्चे खा रहे हैं, ठीक है? और मैंने इनके कपड़े निकाल दिए स्टोर। ये हम अफ्तारी में लगे हुए हैं। ये ना रोल बनाए हुए थे, ये वो हैं, ठीक है? वेजिटेबल आलू के थे और वेजिटेबल मैक्रोनी मिक्स थी, एक वो थे, वो फ्राई हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम पालक के पकोड़े बना रहे थे, तो ये पालक के पकोड़े बनाए। ये काफ़ी मज़े के पकोड़े बने थे। हमने हम पूरे पूरे पत्ते पे ना हमने वो बेसन लगा के तो फ्राई किए थे, तो बहुत मज़े के बनते थे। इसके ऊपर चाट मसाला छिड़का था तो मज़ा आया था। और ये फ्राई कर लिए थे तो ये बच्चों ने बहुत शौक से खाए थे। चिप्स भी काट लिए थे। मेरी माँ सारी खाए। चलो दीदी आओ, ये दाल बन गई है, ठीक है? ये ऑयल रख दिया है, ये बेसन घोल के रखा है, ये बना दूँ। और बैंगन के पकोड़े बनाएंगे क्योंकि आज लड़कों की दावत है, तारीख की दावत है, ठीक है? तारीख हासिल कर ली है लड़कों ने। और ये जो सब पकौड़े का मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है? हमने चार बना ली हुई है, ठीक है? और साथ में खजूरें भर ली हुई हैं। क्या हो रही है? ये इधर इधर ये टॉप्स है। और कल मरियम ने ना जो सा अपने ना इसका कान खींच दिया था, तो उसका पूरा टॉप्स पता नहीं कैसे बाहर निकला है, मेरे तो समझ से बाहर हो गई एकदम बात। और ये फिर मैंने इसको ये इमरजेंसी के तौर पे ये टॉप्स बनाया। उस टॉप्स को मैंने ढूंढा, झाड़ू मार के कोई नहीं मिला। अब ये जब बाज़ार जाएगी तो फिर इसको यही वाला टॉप से इधर पहनाऊँगी। और इसके कान में दर्द शुरू हो गई है, ये पहन के ना, ये वजनी है ना इस वजह से। ऐसे रखे ना फातिमा के एक तरफ ये टॉप्स है और दूसरी तरफ फातिमा के ये टॉप्स है। फातिमा मुंह तो उधर करो, क्या हो गया है? इस तरफ ये, इस तरफ ये। चेंजिंग 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 खोल इसको
तो अच्छा अच्छे से अच्छे खोल दो। पहले और दोनों तो दो ही चाचा से पूछो दो तो भी डाल ले। वो इतनी ऊंची बात है ना पूछिए रास्ता पूछिए। तो तेरे कान को क्या करूं मुझे तेरे कान कवर कराना था। मरीन दरवाजा बंद कर दरवाजा बंद कर अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।